फुटबॉल बना दिया, क्या कर रहे हो? Hey guys, welcome back to our YouTube channel मौज मस्ती ब्लॉगर। आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं बच्चों पार्टी? खाना बनाने वाले हैं। स्पेशल खाना कुछ बनाने वाले हैं और वो क्या है, चलिए मिलते हैं हम लोग। सिस्टर क्या बना रही हो आज? चिकन। वाओ, सो आज चिकन बनने वाला और वो भी इलाहाबादी स्टाइल में। कभी आपने खाया है इलाहाबादी चिकन? तो आज आप देखेंगे कि कैसे आप इलाहाबादी चिकन बना सकते हैं। अब मैं इलाहाबादी चिकन क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज़ को जानने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना होगा, तो बने रहे हमारे साथ। सो अभी मसाला पूरी तरह से रेडी हो रहा है और मसाले में क्या क्या चीज़ अभी तक गला है ये बात दीदी आपको बताएंगे। प्याज, जीरा, मिर्चा। अच्छा, और उसके बाद अभी उसके बाद चिकन उसके बाद चलेगा मसाला जो है वो अभी किस तरह से दिख रहा है आप ये देखो। आप ऐसे देखो कि मसाला अभी अभी कच्चा है ये, और ये पूरी तरह से पकने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। दीदी जो है इलाहाबाद में रहती है और वहाँ इनका बहुत नाम है, स्पेशली मटन बनाने में खूब अच्छे तरह से बनाती है। अच्छे बनाती है ना बच्चों? यस। तो बच्चे आज बहुत खुश हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि अपने नेटिव प्लेस में आते हैं तो धमाल मचाल सब मचाते हैं लोग। जब मसाले भूनते तो उसकी महक आती है, तो सिस्टी तो काफ़ी ज़्यादा हंगरी हो रही है। दंत मंजन का प्रचार करना है तो मम्मी से आके संपर्क करना। मम्मी दांत दिखाओ, थोड़ा दांत दिखाओ, ये देखो, इसको कहते हैं चमनिया मुस्कान। सो ऑलमोस्ट मसाला रेडी हो चला है। तो चिकन को पहले फ्राई किया था दीदी? नहीं। तो स्मेल बहुत खराब होता है। अच्छा, थोड़ा सा तेल में उसको गरम करना पड़ता है। अच्छा, कितने जो इसका पानी छोड़ता है इसमें? हाँ हाँ, देखना पड़ता है, उससे इसका मतलब और बढ़ जाता है। ओहो, सो दीदी बता रही है आपको कि आपको सबसे पहले चिकन को हल्का सा तेल डालकर उसको 5 मिनट फ्राई करना है, और उससे जो भी निकला हुआ वाटर है उसको फेंक देना है, जिससे इसका स्मेल पूरी तरह से भाग जाता है या दूर हो जाता है। ये है इलाहाबादी चिकन, कमेंट जरूर कीजिएगा। अरे मम्मी ने फुटबॉल बना दिया क्या? इस फल का नाम क्या है? बहुत यूनिक फल मुझे नजर आया है यार। क्या है बच्चे आपको? ठीक है। ओह माय गॉड,
ये क्या डाला गया है? ये काजू बादाम का पेस्ट, इससे टेस्ट में चार चांद आता है। सो काजू और बादाम का पेस्ट ये आप डाल सकते हैं। सो दीदी ये बताएं, ये जो काजू और ये पिस्ता ये सब डाला जाता है, ये ज्यादातर कहाँ फेमस है? इस तरह से चिकन कहाँ बनता है? इलाहाबाद। अच्छा, इलाहाबाद में लोग ऐसे ही ज्यादातर खाते हैं। इलाहाबादी चिकन इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इलाहाबाद के लोग ज्यादा ड्राई फ्रूट खाते हैं। तो आप देख रहे हो इसका कलर कुछ अब बदल गया है। अब जाकर ये पूरी तरह से पक चुका है और बन चुका है, इसका कलर ही चेंज हो चुका है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारा इलाहाबादी चिकन पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और मैं अब बताऊंगा इसका टेस्ट कैसा है। बात की जाए सबसे पहले मसाले की, आप देख रहे हो कि मसाला पूरी तरह से गल चुका है। वाह, दिन बना दिया यार। तो आज हम लोग ब्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। टिल देन बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।